नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जियोग्राफी क्लास 11th आज का अपना टॉपिक है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। आज अपने भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की जो जलवायु है उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उन कारकों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। उसमें पहला है स्थिति तथा उचावत संबंधी कारक, यानी पहला जो कारक है वो क्या है, भारत की स्थिति एवं उचावत संबंधी कारक। यानी भारत की जो स्थिति है और भारत में जो उचावच हैं, जो ऊंचे स्थान हैं, उनका भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले स्थिति तथा उचावच संबंधी कारक निम्नलिखित हैं। यानी भारत की जो स्थिति है वो ग्लोब पर कहाँ स्थित है। भारत है जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसकी स्थिति का भारत की जलवायु पर प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद में जो उचावत संबंधी, यानी भारत का जो भौगोलिक धरातल है जिसमें जो ऊंचे स्थान पाए जाते हैं, ठीक है, उनका भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव है, तो उसमें जो कारक हैं उन कारकों का अपने अध्ययन करेंगे। तो पहला इसमें कारक है अक्षांश, यानी भारत पर जो भारत का अक्षांश है उस अक्षांश का प्रभाव है जो भारत की जलवायु पर देखने को मिलता है। भारत में कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। यानी ये जो अपना भारत है पूर्व पश्चिम, ये जो कर्क रेखा गुजरती है ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध, यानी जो ये जो भाग है ये क्या है, शीतोष्ण कटिबंध है। इस क्षेत्र में क्या है, जो जलवायु है वो शीतोष्ण पाई जाती है, सर्दी अधिक पड़ती है उत्तरी भारत में, तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध, यानी ये इसके दक्षिण में, उत्तर दक्षिण में स्थित ये क्या है, इस क्षेत्र में ये उष्ण कटिबंध भाग है। यहाँ पे क्या है, गर्मी अधिक पड़ती है। यानी भारत का जो उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, जो धरातल है यहाँ पे क्या है, शीतोष्ण जलवायु है, और कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंध है। ये जो इलाका है भारत का, इस क्षेत्र में क्या है, गर्मी अधिक पड़ती है। उष्ण कटिबंध के भूमध्य रेखा के अधिक नजदीक होने के कारण वर्ष भर उच्च तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर पाया जाता है। यानी ये क्या है, ये जो रेखा है भूमध्य रेखा यानी ग्लोब पर जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, वो क्या है, जो दक्षिणी भारत है, ठीक है, इसके नजदीक से गुजरती है। इस कारण इस इलाके में क्या है, वर्ष भर क्या है, तापमान उच्च पाया जाता है। तापमान क्या है, इस क्षेत्र में उच्च पाया जाता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भूभाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। इसलिए इस क्षेत्र में क्या है, भारत का जो ये क्षेत्र है यहां पे विषम जलवायु पाई जाती है।
इसके बाद में नेक्स्ट दूसरा है भारत में हिमालय की स्थिति, भारत में हिमालय की स्थिति। दूसरा जो कारण है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला, वो है भारत में हिमालय की जो पर्वत हैं, हिमालय पर्वत हैं, उनकी स्थिति किस प्रकार है। उत्तर में ऊंचा हिमालय, उत्तर में क्या है, पर्वत हैं, उच्च पर्वत पाए जाते हैं, ऊंचे पर्वत हैं जो भारत के उत्तर में स्थित हैं। इनके विस्तार का प्रभाव भी जलवायु विभाजक की भूमिका अदा करता है। इसी के कारण क्या है, भारत में जो जलवायु है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु है जो देखने को मिलती है। किसके कारण, भारतीय हिमालय की जो उच्च पर्वत हैं, ठीक है, इनके कारण ही क्या भारत में जलवायु का डिवाइडेशन हुआ है, विभाजन हुआ है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उप महाद्वीप की उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा, यानी उत्तर से जो पवने आती है, ठीक है, उनसे क्या है ये सुरक्षा करती है, ठीक है, ये पर्वत है जो उत्तर से पवने आती है, ठीक है, भारत की ओर, ठीक है, और उनको क्या है ये अभेद्य रखती है, इधर जो पवने आने वाली है भारत में, ठीक है, उनसे हमारी सुरक्षा करती है। हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी हवाएं ध्रुव रेखा के पास पैदा होती है। इसके बाद में जो ध्रुव रेखा है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, इन उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, यहां जो ठंडी हवाएं, ठीक है, उत्पन्न होती है और मध्य और पूर्वी एशिया में आर पार प्रवाहित होती है। ये हवाएं मध्य एशिया और पूर्वी एशिया जो महाद्वीप है इसके आर पार तक जाती है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसूनी हवाओं को रोककर उप महाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। इसलिए क्या है, जो ये पवने होती है, ठीक है, इनको ये उच्च जो स्थान है भारत के पर्वत हैं, ठीक है, इनको रोकते हैं, रुकने के कारण यहाँ वर्षा की अवस्थिति भारत के अंदर बनती है। तीसरा जो कारण है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला, वो जल और स्थल का वितरण, यानी भारत में जल व स्थल का वितरण, यानी भारत का जो भौगोलिक धरातल है उस पर जल का वितरण किस प्रकार है, जो स्थल भाग है भारत के वो किस प्रकार के हैं, ठीक है, इनका प्रभाव भी भारत की जलवायु पर देखने को मिलता है। भारत के दक्षिण में तीन तरफ हिंद महासागर, उत्तर की ओर तरफ ऊंची व अविछन पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देरी से गर्म होता है तथा देरी से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का ही कारण बनती है। यानी जो स्थल भाग है भारत के, जो स्थल भाग हैं वो क्या होते हैं, जल की देर जल है, ठीक है, उसकी अपेक्षा देरी से गर्म होते हैं। यानी भारत के अंदर जल व स्थल का वितरण इसमें बताया है कि स्थल की अपेक्षा जल देरी से गर्म होता है, इसकी अपेक्षा ये देरी से गर्म होता है, ये शीघ्र होता है। यानी स्थल की अपेक्षा क्या है, जल को गर्म होने में समय लगता है और जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण, ये दोनों में जो अंतर है इसके कारण ही क्या होता है, उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं जो उत्पन्न होती है, वायुदाब प्रदेश विकसित होते हैं, वायुदाब में भिन्नता मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का कारण बनता है। इसके बाद चौथा जो प्रभाव है वो है समुद्र तट से दूरी। नेक्स्ट जो भारत की जलवायु पे प्रभाव पड़ता है वो है भारत का समुद्र का जो किनारा है उससे दूर स्थित होना, जिसका भी भारत की जलवायु पर प्रभाव देखने को मिलता है। लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय भागों में समकारी जलवायु पाई जाती है।
यानी भारत के जो समुद्री तट इलाके हैं वहां पे क्या है, सम जलवायु यानी समान जलवायु है जो इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। भारत के आंतरिक भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं, इसलिए जो भारत के आंतरिक भाग हैं इन पे समुद्रों का प्रभाव है जो देखने को नहीं मिलता है, और इन क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। जो आंतरिक भाग है वहां पे क्या है, विषम प्रकार की जलवायु है जो देखने को मिलती है। लेकिन जनवरी के महीने में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि दार्जिलिंग में यह कितना रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रकार ये आंतरिक जो भाग हैं इन भागों में क्या है, ये अंतर देखने को मिलता है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो कारण था वो था समुद्र तल से ऊंचाई, इसके कारण भी भारत की जलवायु है जो प्रभावित होती है। इसके बाद में है उचावच, उचावच। नेक्स्ट जो भारत की जलवायु पे प्रभाव देखने को मिलता है, भारत के जो उचावच स्थान हैं, जो ऊंचे स्थान हैं, उनका भी भारत की जलवायु पर प्रभाव है जो देखने को मिलता है। भारत का भौतिक स्वरूप तथा उचावच, तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। यानी भारत का जो भौतिक स्वरूप है, जो ऊंचे स्थान है, जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, ठीक है, तो इनके कारण क्या है, तापमान है, वायुदाब है, पवने हैं, ये प्रभावित होती है। और जून और जुलाई के महीनों में पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल पर अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ संलग्न दक्षिणी पठार पवनाभिमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। अब वायु दाब एवं पवनों से जुड़े कारक कौन कौन से प्रभावित करते हैं, वायु दाब एवं पवनों से जुड़े कारक, यानी भारत की जलवायु को वायुदाब एवं पवने किस प्रकार प्रभावित करती है। वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण, भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों में विभिन्न वायु सेंतियों एवं जेट प्रवाह के अंतर्गत द्वारा उत्पन्न वायु संचरण, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में उष्ण कटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं हैं जो भारत को क्या है, भारत की जो जलवायु है उसको प्रभावित करते हैं। यानी वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर जो वितरण है वो असमान है, सब जगह की जो अवस्थिति है वो अलग अलग है। इस कारण क्या है, अलग अलग जगह अलग अलग वायुदाब विकसित होता है, ठीक है, और पवनों का जो वायुदाब है वो भौगोलिक जो भारत का धरातल है, भौगोलिक जो स्थिति है और वहाँ की जो अवस्थिति है उसके कारण ही वहाँ पे क्या है, इसका जो वितरण है वो असमान रूप से भारत में देखने को मिलता है। भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारक विभिन्न वायु सैंतिया जेट प्रवाह के अंतर्गत उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण है, ठीक है, उसका प्रभाव भी जलवायु पर पड़ता है, और शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों तथा दक्षिणी पश्चिम मानसून काल में उष्ण कटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण भी उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं है जो भारत में देखने को मिलती है। तो प्यारे बच्चों, आज अपने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा की। स्थिति मोचावच संबंधी जो कारक थे उनमें हमने अक्षांश का जो भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा की। भारत में हिमालय की जो स्थिति है और जल का व्यय स्थल का जो वितरण है भारत में, और समुद्र तट रेखा से दूरी है जो भारत की उसका जलवायु पे क्या प्रभाव, ऊंचावत संबंधी और वायुदाब एवं पवनों से जुड़े जो कारक थे उन कारकों के बारे में आज अपने अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।